क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बच्चों। सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ लें ध्यान से। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, समझने वाली प्रॉब्लम है। ज़रा ध्यान से देखिए। एन एक्सप्रेस ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी V1। इट्स ड्राइवर फाइंड अनदर ट्रेन इज मूविंग ऑन द सेम ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी V2। टू एस्केप द कोलिजन द ड्राइवर अप्लाई अ रिटार्डेशन A ऑन द ट्रेन। द मिनिमम टाइम ऑफ एस्केपिंग कोलिजन विल बी। देखो बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि भाई ये रहा हमारे पास में ट्रैक, ठीक। यहाँ चल रही है ट्रेन A और ट्रेन A की जो स्पीड है वो है V1। यहाँ चल रही है ट्रेन बी, ट्रेन बी की जो स्पीड है वो है V2। समझ आ रही बात? अब ट्रेन ए का जो ड्राइवर है वो देखता है कि यार सामने ट्रेन बी आ गई, अगर हमने ब्रेक नहीं लगाए तो ये जाकर इसे टकरा जाएगी। समझ आ रही बात? तो ये ड्राइवर ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाकर जो रिटार्डेशन पैदा होता है ना बच्चों, रिटार्डेशन वो माइनस ए होता है। तो हमें ये बताना है कि अगर कोलिजन को अवॉइड करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, तो कितना टाइम लगेगा, यानी इस पूरे व्हीकल को रेस्ट में आने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखो यार, ट्रेन ए चल रही है, ट्रेन बी चल रही है, ए वाला बी वाले से टक्कर को रोकने के लिए ब्रेक लगाता है, यानी मेन वर्किंग में कौन है? ए। समझ आ रही बात? तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब आप देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई की डायरेक्शन, ये भी आगे वो भी आगे, तो हम लोग लिखेंगे वी ए माइनस के वी बी। समझ आ रही है बात? वी ए की वैल्यू है V1 और वी बी की वैल्यू है V2। यानी ट्रेन ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में इतनी है, ट्रेन ए की जो वेलोसिटी है ट्रेन बी के जो रेस्पेक्ट में वो इतनी है। बच्चों समझ आ रही है बात? भाई हम लोगों ने ये माना कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, इनिशियल डिस्टेंस इनके बीच की डी है। शुरुआत में ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में इतनी है, अगर इसने ब्रेक लगाए और कोलिजन को रोकना है तो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में जीरो होनी चाहिए, यानी ए वाला रेस्ट में आ जाना चाहिए, या ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में जीरो होनी चाहिए, यानी ये वाली ट्रेन टक्कर से पहले रुक जानी चाहिए, तभी कोलिजन अवॉइड होगा। सबसे पहले हमने ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकाल दी, वो आ गई V1 माइनस के V2। अगर कोलिजन को अवॉइड करना है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए जीरो। हमारे पास में होती है स्टूडेंट मोशन की थर्ड इक्वेशन। मोशन की थर्ड इक्वेशन हमारे पास में ये है। अब आप देखो, फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर 2, एक्सीलरेशन की वैल्यू बराबर होगी माइनस के ए नॉट के। समझ आ रही बात? माइनस के ए नॉट के, और रिटार्डेशन है अपने पास में एस। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एस की वैल्यू हमारे पास में बन चुकी है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2A। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है भाई। यानी ये ट्रेन A रुकने से पहले, जब ट्रेन A पर ब्रेक लगाए गए हैं ना बच्चों, तो ट्रेन A रुकने से पहले इतनी डिस्टेंस चलेगी। अब आप एक बात देखो, अगर कोलिजन को अवॉइड करना है तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस D से कम होनी चाहिए, नहीं अगर ये वाली S इस D से ज़्यादा हो गई तो ये ट्रेन इस ट्रेन से जाके टकरा जाएगी। अगर कोलिजन को अवॉइड करना है तो मैं ये कहूँगा S की वैल्यू D से कम होनी चाहिए, S की वैल्यू D से कम होनी चाहिए। S की वैल्यू है अपने पास में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2A इज लेस देन ऑफ D। ये कंडीशन हमारे पास में बननी चाहिए बच्चों, अगर कोलिजन को अवॉइड करना है तो। तो पहले ना प्रॉब्लम को देखो यार, इतनी जल्दी बात समझ नहीं आएगी। अगर इतनी जल्दी बात समझ आती तो फिजिक्स पढ़ाने के लिए फिर टीचर्स ना होते, फिर
फिर स्कूल टीचर से ही काम चल जाया करता, ठीक है। ध्यान से पूरा फोकस लगा उस बात के ऊपर, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, ट्रेन बी अपनी मस्ती में चल रही है V2 स्पीड से, ट्रेन ए तेजी से आ रही है V1 स्पीड से। अब ट्रेन ए के ड्राइवर ने देखा, यार तूने अगर ब्रेक नहीं लगाए तो तेरी गाड़ी जाकर इसे टकरा जाएगी, सेम ट्रैक पर चल रही है। तो इसके ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए, बच्चों लगा दिए ब्रेक, और ब्रेक लगाने से जो रिटार्डेशन पैदा हुआ वो इतने का रिटार्डेशन पैदा हुआ, इतने का रिटार्डेशन का मतलब है स्पीड का कम होना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगी इतनी V1 माइनस के V2। और जब कोलिजन होना ही नहीं है, इस गाड़ी को रेस्ट में आना है, कहाँ में आना है, रेस्ट में, तो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी होगी जीरो। मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाई, डिस्टेंस की वैल्यू निकाल दी, अगर कोलिजन को अवॉइड करना है तो ट्रेन रुकने से पहले इतनी डिस्टेंस चलेगी, ये जो ट्रेन है ये रुकने से पहले इतनी डिस्टेंस चलेगी भैया, ये डिस्टेंस बी से कम होनी चाहिए अगर कोलिजन को अवॉइड करना है तो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कोलिजन हमारा अवॉइड हो जाएगा, हमने वही कंडीशन लगाई, यानी हम कहेंगे भाई इस कंडीशन से कोलिजन अवॉइड हो जाएगा। अगर आपको निकालना है टाइम तो आप लोग लगाएंगे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। देखो v की वैल्यू है जीरो, u की वैल्यू है v1 माइनस के v2, एक्सिलरेशन की वैल्यू है माइनस के a0 इंटू t, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो t इज इक्वल टू v1 माइनस के v2 अपॉन a0। लो भैया इतना टाइम लगेगा ब्रेक लगाकर गाड़ी को रेस्ट में आने में, यानी कोलिजन को अवॉइड करने वाला टाइम ये है।